दी गई। आपके संज्ञान में मामला आया है, आपने भी एक हफ्ते में क्या मामला है सर? क्या देखिए, जब भी कोई रैगिंग का इश्यू आता है, देर इज़ अ स्टैंडिंग कमेटी टू टेक केयर ऑफ ऑल रैगिंग इश्यूज, ठीक है जी। तो वो जब भी ऐसी कोई शिकायत आती है उनको रेफ़र कर दी जाती है, उन लोग बच्चों को बुला करके तहकीकात करते हैं और उसके बाद में मेरी एक कमेटी जिसको मैं चेयर करता हूँ उसमें रिपोर्टिंग की जाती है और डिपेंडिंग ऑन द सीवियरिटी ऑफ द केस एक्शन लिया जाता है। आपकी ओर से इसमें क्या सर क्या किया जा रहा, प्रथम दृष्टया इसमें किस तरह का? देखिए, ऐसा होता है कि वी डोंट जंप इनटू कंक्लूजन विदाउट फिनिशिंग द इंक्वायरी, ठीक है। तो अभी ये कल परसों ही ये मामला आया है और उस कमेटी को सौंप दिया गया है, वो सब बच्चों से बात करेंगे, उनकी गवाही लेंगे, उनसे क्रॉस एग्जामिन करेंगे और उसके बाद अपनी रिपोर्ट मुझे जमा करेंगे। जब मैं उस कमेटी को चेयर करूंगा तब एक डिसीजन लिया जाएगा, वो आपको बता सर क्या मामला है, कुछ रोशनी डाल सकते हैं आखिर क्या हुआ क्या था? आप फिर वही कर रहे हैं कि सर आपके पास जो शिकायत आई होगी क्या शिकायत आई थी इसके बारे में? देखिए, कभी भी जब शिकायत आती है कि कहीं पर रैगिंग हुई है तो उसको हम तुरंत उस कमेटी को देते हैं, क्योंकि किसी और का ये काम नहीं है, ये उस कमेटी का ही काम है कि उसको इन्वेस्टिगेट करे और हमको रिपोर्ट दे। कितने दिन तक रिपोर्ट मिलनी है सर? देखिए, हम तो उनसे कहते हैं कि जितना जल्दी दे सकें दें, लेकिन ये डिपेंड करता है कि कितनी विटनेसेस हैं, कितने लोगों को क्रॉस एग्जामिन करना है, क्या एविडेंस है, उसको कैसे एग्जामिन करना है, तो उसमें जितना कम से कम टाइम लगता है वो करते हैं। और गवर्नमेंट भी बहुत सीरियस है इस मामले में, UGC की एक वेबसाइट है जहाँ पे ये सारी चीज़ें हमको रिपोर्ट करनी पड़ती हैं और उनके पास से आता रहता है कि भाई आपने क्या किया, तो हम लोग उसको जल्द से जल्द ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। पिछले सर